Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मनीष कुमार यादव और इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बोन स्ट्रक्चर के साथ। तो बोन स्ट्रक्चर में काफी कुछ हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कवर अप कर लिया था, फिर भी हम लोग एक छोटा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक, तो मैंने बताया था कि जो बोन होते हैं, लॉन्ग बोन की बात की थी स्पेशली, तो लॉन्ग बोन की मैंने बात की थी। तो लॉन्ग बोन बेसिकली क्या होता है, एक तरीके का कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन, दोनों तरीके का होता है। ठीक है, तो मैंने बोन बताया था कि बोन आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज कॉम्पैक्ट बोन एंड सेकंड वन इज स्पॉन्जी बोन। सो जो ये वाला पोर्शन जो होता है, बीच का जो शाफ्ट वाला पोर्शन होता है, दिस इज कॉम्पैक्ट बोन। एंड जो ये हेड वाला पोर्शन है, जिसको एपिफाइसिस बोलते हैं और नॉर्मली इसको क्या बोलते हैं, डायफाइसिस। डायफाइसिस, सो डायफाइसिस जो होता है, दिस वन इज कॉम्पैक्ट बोन। एंड जो एपिफाइसिस वाला पोर्शन होता है, दिस एपिफाइसिस पोर्शन इज स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्जी एंड कॉम्पैक्ट बोन। देखिए, कॉम्पैक्ट का मतलब है कि हार्ड स्ट्रक्चर है, उसका जो मैट्रिक्स वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा, उसका ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से है कि वो दिखने में हार्ड है। क्यों हार्ड है अभी हम लोग देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, वहीं स्पॉन्जी बोन में क्या होता है, स्पॉन्जी बोन में वहां पर जो स्ट्रैंड्स होते हैं, स्पॉन्ज लाइक स्ट्रैंड्स होते हैं, दैट्स व्हाई इट लुक्स लाइक अ स्पॉन्जी बोन। बट एक्चुअल में हार्ड और टफनेस दोनों की सेम होती है, बस थोड़ा सा वो ज्यादा टफ होता है जो कॉम्पैक्ट होता है, और स्पॉन्जी वाला थोड़ा सा टफ, कम टफ होता है। ठीक, तो एपिफाइसिस में मैंने बताया था कि रेड बोन मैरो होता है, रेड बोन मैरो, या फिर इसको एरिथ्रोपोएटिक बोन मैरो भी बोलते हैं। ठीक, रेड बोन मैरो और एरिथ्रोपोएटिक बोन मैरो जिसको बोलते हैं। ठीक, और ये इसको बोलते हैं येलो बोन मैरो, येलो बोन मैरो, बोन मैरो। ठीक, उसके बाद मैंने बताया था कि जो ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन कट करके देखें हम लोग, तो इस तरीके से एक हम लोग सेक्शन देख रहे हैं इस तरीके। ठीक है, इस सेक्शन में बीच में क्या था, बीच में वो बोन मैरो कैविटी थी। ठीक, ये क्या थी, बोन मैरो, येलो बोन मैरो, येलो बोन मैरो, और यहाँ पे वो बोन मैरो पूरा फैट के साथ डिपोजिशन था। ठीक है, फैट यहाँ पे डिपोजिटेड था बोन मैरो कैविटी में। ठीक, और इसके चारों तरफ क्या थी, इस तरीके से हैवर्शियन कैनाल्स। ठीक, हैवर्शियन कैनाल्स। ठीक, तो इतना पोर्शन हम लोग आज जूम करके देखने वाले हैं। ठीक है, इतना पोर्शन जूम करके देखेंगे तो हमें सारी चीजें जो होंगी क्लियर अप हो जाएंगी, बिल्कुल कंप्लीटली हो। ठीक है, तो ये बाहर वाला पोर्शन क्या कहलाता था, ये था पेरी ऑस्टियम। ये बाहर वाली कवरिंग जो थी, फाइब्रस शीट की कवरिंग जो थी, इसको पेरियोस्टियम बोलते थे, और ये वाला जो कवरिंग था फाइब्रस की शीट की, ये भी थी, इसको बोलते थे एंडोस्टियम। ठीक, तो हम लोग इतना पोर्शन को कट करके अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन मैं इरेज कर दे रहा हूं, यहां से मैं स्ट्रक्चर बना सकूं इसका। ठीक, इससे पहले एक चीज समझ लीजिए, ठीक है, वो चीज क्या है। तो मैंने बताया था कि इसमें जो है, एक पर्टिकुलर बोन में, इतने वाले पोर्शन में सेल्स भी होंगे और मैट्रिक्स भी होगा। ठीक, तो सेल्स में मैंने तीन इंपॉर्टेंट सेल्स बताए थे। ठीक, और तीन इंपॉर्टेंट सेल्स, पहला कौन सा था, ऑस्टियोब्लास्ट, सेकेंड वन इज ऑस्टियोसाइट, एंड थर्ड वन इज ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक, ऑस्टियोक्लास्ट। वहीं अगर मैट्रिक्स की बात करें, ठीक, तो मैट्रिक्स में क्या क्या होता है, सबसे पहले तो प्रोटीनिशियस पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, एंड द सेकेंड पार्ट विच इज मेड अप ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट, व्हाट आर दी सॉल्ट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, फर्स्ट वन इज कैल्शियम फॉस्फेट, एंड द सेकेंड वन इज कैल्शियम सल्फेट। ठीक, सो इन दोनों को अगर मिला करके बोला जाए तो बोला जाता है हाइड्रोक्सी एपिटाइट, या फिर इसको हाइड्रोक्सील एपिटाइट भी बोलते हैं, और या फिर इसको कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट या कैल्शियम हाइड्रोक्सील एपिटाइट भी बोलते हैं। तो ये दोनों पोर्शन किसमें होता है प्रेजेंट, मैट्रिक्स वाले पोर्शन में। ठीक, और यहीं अगर इन सारे चीजों की फंक्शन की बात करें, तो ऑस्टियोब्लास्ट जो होता है, दीज आर डिराइव फ्रॉम द स्टेम सेल्स विच आर नोन एज ऑस्टियोजेनेटिक सेल्स। और ऑस्टियोब्लास्ट का अगर चारों तरफ मैट्रिक्स का सिक्रेशन कर ले ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, तो वो बन जाते हैं ऑस्टियोसाइट सेल्स। ठीक है, और ऑस्टियोसाइट, देखिए, तो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स का फंक्शन क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ ऑस्टियोसाइट्स
ऑस्टियोसाइट, ठीक, ये हो गया फंक्शन इसका। ऑस्टियोसाइट का क्या फंक्शन हो गया? टू मेंटेन द बोनी मटेरियल, टू मेंटेन द बोनी मटेरियल, बोनी मटेरियल को मेंटेन करने का काम किसका होता है? ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट्स आर द जेन्युइन सेल्स व्हिच आर फाउंड इन द केस ऑफ बोन्स। ऑस्टियोक्लास्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड ऑस्टियोसाइट्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड ऑस्टियोसाइट्स, ठीक, ओल्ड ऑस्टियोसाइट्स। अभी जब आप नीट क्वालिफाई कर लेंगे, एमबीबीएस में जाएंगे, तो ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट की जो मैकेनिज्म होती है वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा ओवरव्यू आप देख लीजिए जिससे कि क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। और इसके अलावा, इन सारे चीजों के अलावा, अब हम लोग देखते हैं इसको जूम करके, इस पोर्शन को, ठीक। तो चलिए जूम करते हैं। ठीक, तो सबसे बाहर की तरफ क्या है? पेरिओस्टियम। तो ये है पेरिओस्टियम। So this portion, this lining is indicating the periosteum, and inner to this lining is the endoosteum. So this one is periosteum, periosteum, and this one is endoosteum, endoosteum. And this cavity is actually the yellow bone marrow cavity, yellow bone marrow cavity. This one is the yellow bone marrow cavity, and this portion we are enlarging here. ठीक, so यहाँ पे होंगे Haversian canals. So these are the Haversian canals. और Waksman canals के भी हम लोग बात नहीं कर रहे, क्योंकि Waksman canal का कभी जब कट करेंगे तो हमें जरूरी नहीं है Waksman canal आ जाए उसमें, ठीक। तो हम लोग केवल Haversian canal को देख लेते हैं, ठीक है। So these are the Haversian canals, Haversian canal, Haversian canal, ठीक। इस Haversian canal के चारों तरफ होती है concentric rings, so there are concentric rings around these Haversian canals, ठीक। So these concentric rings may be in number of 1, 2, or 3, depends on the particular Haversian canal, how much old it is, ठीक। So there is another Haversian canal, again an Haversian canal, Haversian clan with concentric rings, concentric रिंग्स, ठीक। तो ये कंसेंट्रिक रिंग्स हैं, ठीक। तो ये जो कंसेंट्रिक रिंग्स हैं, इनको हम लोग बोलते हैं कंसेंट्रिक लैमेली, कंसेंट्रिक लैमेली। एंड दीज कंसेंट्रिक लैमेली आर मेड अप ऑफ वेरियस सिमेट्रिक मटेरियल, दैट इज मेड अप ऑफ मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स का जो मटेरियल होता है, मैट्रिक्स में जो हमने बताया कि सॉल्ट वगैरह होता है, उसी उन्हीं सारी चीजों का बना होता है क्या? ये कंसेंट्रिक रिंग्स, ठीक है। तो हम लोग इस पोर्शन को अब जूम करके देखते हैं, ठीक है। तो इसको जूम करेंगे तो सबसे पहले बीच में क्या होगा? ये होगा Haversian canal, ठीक। और इसके तरफ क्या होगा? एक इस तरीके से कंसेंट्रिक रिंग। तो हम लोग एक कंसेंट्रिक रिंग बनाते हैं, ठीक। ये हो गया एक कंसेंट्रिक रिंग, ठीक। ये हो गया एक कंसेंट्रिक रिंग। अब हम लोग इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं इस तरीके। सो दिस वन इज द फर्स्ट कंसेंट्रिक, फर्स्ट कंसेंट्रिक रिंग, देन वी विल ड्रॉ द सेकेंड कंसेंट्रिक रिंग, कंसेंट्रिक रिंग और कंसेंट्रिक लैमेली, वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज कंसेंट्रिक लैमेली, ठीक। ये क्या होगा? कंसेंट्रिक, फर्स्ट कंसेंट्रिक लैमेली। ये बीच में क्या है? Haversian canal, ठीक। एक और कंसेंट्रिक रिंग हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस वन इज द सेकेंड कंसेंट्रिक रिंग और कंसेंट्रिक लैमेली, ठीक। तो एक ये है और एक ये है, ठीक। तो इसमें बीच बीच में इरेगुलर स्पेसेस होते हैं कंसेंट्रिक रिंग्स में। सो दीज आर इरेगुलर स्पेसेस विच आर फाउंड विद इन दीज कंसेंट्रिक रिंग्स। सो दीज आर इरेगुलर स्पेसेस, irregular spaces. So there are also irregular spaces in the second concentric ring, and these concentric rings are made up of symmetric bony matrix material. ये आपको याद रखना, ठीक। So again irregular spaces are found in the concentric rings, ठीक, इस तरीके से।
कंसेंट्रिक रिंग्स, ठीक। और ये इरेगुलर स्पेसेस आर अटैच्ड टू टुगेदर बाय अ स्पेशल पैसेज, ठीक। ये आपस में इस तरीके से अटैच्ड है, यहां भी अटैचमेंट होगा इस तरीके से। सो देयर इज ऑल्सो एन अटैचमेंट इन बिटवीन दिस इरेगुलर स्पेसेस, ठीक। तो बीच में हेवर्शन कैनाल है, दो कंसेंट्रिक रिंग को हमने देखा है, ठीक है। और इन कंसेंट्रिक रिंग में इरेगुलर स्पेसेस है। इन इरेगुलर स्पेसेस में होता क्या है, इन इरेगुलर स्पेसेस में एक्चुअली ऑस्टियोसाइट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट। सो देयर इज एन ऑस्टियोसाइट, देयर इज ऑल्सो एन ऑस्टियोसाइट, अगेन एन ऑस्टियोसाइट। एवरी इरेगुलर स्पेसेस आर फिल्ड विद दिस ऑस्टियोसाइट सेल्स, ऑस्टियोसाइट सेल्स, ठीक। इन इरेगुलर स्पेसेस को हम लोग जनरली बोलते हैं लैक्यूना। क्या बोलते हैं? लैक्यूना। सो लैक्यूना इज इरेगुलर स्पेस और इरेगुलर कैविटी इन विच द ऑस्टियोसाइट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट इन द फ्यूचर। देन दिस पैसेज इज कॉल्ड एज कैनालिकुला, कैनालिकुला, ठीक। और अगर हम लोग इस इतना पोर्शन को इनलार्ज करके देखें तो किस तरीके का होगा स्ट्रक्चर, ठीक है, किस तरीके का होगा स्ट्रक्चर वो देखते हैं हम लोग। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक। तो एक एक ऑस्टियोसाइट का स्ट्रक्चर इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, ठीक। सो दिस इज एन अ सिंगल ऑस्टियोसाइट, अगेन एन ऑस्टियोसाइट, सो दिस इज अ सेकेंड ऑस्टियोसाइट, एंड इन बिटवीन दिस ऑस्टियोसाइट्स देयर इज अ पैसेज that has been made from this canaliculi. So this one is the canaliculi, canaliculi या फिर canalicula भी बोलते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, canaliculi या canalicula. And this one is the lacuna. So outside of this osteocyte is the lacuna in which the osteocytes are placed. So this is the outer side irregular space we are showing. So this is irregular space which is called as lacuna. यह लैक्यूना, ठीक। तो इस तरीके से ऑस्टियोसाइट्स जो है जनरली वो कंसेंट्रिक रिंग्स में प्रेजेंट है और बीच में क्या है, हेवर्शियन कैनाल, ठीक। इस पूरे पोर्शन को हम लोग बोलते हैं ऑस्टियन, क्या बोलते हैं, ऑस्टियन, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियन। और इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं हेवर्शियन सिस्टम, हेवर्शियन सिस्टम। So what are the things which are involved in the case of Haversian system? In the Haversian system, Haversian canals are present in the center and around which the concentric rings with osteocytes are present. In the concentric rings, there are a lot of irregular spaces in which the osteocytes are present. And these osteocytes are generally attached through this canaliculi structure. Then हम लोग इसको और थोड़ा सा समझते हैं इस स्ट्रक्चर को, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे और इरेगुलर स्पेस इस तरीके से कंसेंट्रिक रिंग्स बना लेते हैं, ठीक। सो दीज आर व्हाट, कंसेंट्रिक लैमली, ठीक। अब यहाँ पे पेरिफेरल रीजन है ना, क्योंकि ये राउंड स्ट्रक्चर था तो ये पेरिफेरल रीजन है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू अ सेक्शन इट इज अ पेरिफेरल रीजन, बट एक्चुअल में ये पेरिफेरल रीजन है, ये एक साइड का रीजन है, लेटरल रीजन है, ठीक है। तो इस लेटरल रीजन में पेरिस्टोमियम के पास भी इस तरीके का कंसेंट्रिक रिंग्स होते हैं जहां पे ये ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। सो दीज आर ऑस्टियोसाइट्स विच आर प्रेजेंट इन लैक्यूना और लैमली, ठीक। सो दीज आर ऑस्टियोसाइट्स एट द लेटरल लेटरल रीजन और जस्ट अटैच टू द एंडोस्टियम एंड पेरिस्टियम। सो दीज आर द ऑस्टियोसाइट्स विच आर अटैच इन द स्पेशल लैमली। एंड वॉट आर दीज लैमलीज, दीज लैमलीज आर एक्चुअली कॉल्ड एज सर्कमफेरेशियल लैमली, सर्कम फेरेंशियल लैमली, ठीक। तो अब तक हम लोगों ने कितने लैमलीज देख लिए, दो तरीके के लैमली। फर्स्ट वन इज कंसेंट्रिक लैमली विच इज प्रेजेंट इन द केस ऑफ ऑस्टियन, एंड सर्कमफेरेंशियल लैमली विच इज प्रेजेंट जस्ट बीनीथ ऑफ द पेरिस्टोमियम एंड जस्ट अपर साइड ऑफ द एंडोस्टियम, ठीक है। तो यहां पर यह क्या है, सर्कमफेरेंशियल लैमली है, क्या सर्कमफेरेंशियल लैमली। सो दीज आर सर्कमफेरेंशियल लैमली, ठीक। यहां पे इन द स्पेसेस हैज बीन मेड इन बिटवीन दिस ऑस्टियंस, सो देयर इज अगेन अ लैमली। सो दिस इज द
lamellae which is present in the spaces which has been made through the osteons. Osteons के बीच में भी कुछ lamellae present होते हैं और इन lamellae को generally हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि ये बीच में ना पोर्शन, इन जनरली जो बीच में स्पेसेस होते हैं उनको इंटरस्टिशियल स्पेसेस बोलते हैं, ठीक है, और इस बिहाफ पे इसको इंटरस्टिशियल लैमली बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल लैमली. ठीक, तो अब तक कितने तरीके के लैमली हमको दिखाई दे रहे हैं? तीन तरीके के लैमली. फर्स्ट वन इज कंसेंट्रिक लैमली विच आर प्रेजेंट जस्ट आउटसाइड ऑफ द हैवर्शन कैनाल, देन सर्कमफेरेशियल लैमली जस्ट प्रेजेंट बीनीथ द पेरोस्टियम एंड अपर टू द एंडोस्टियम. ठीक, इसके अलावा एक तरीके के इंटरस्टिशियल लैमली प्रेजेंट है जो कि जो स्पेसेस हैं बन गए ऑस्टियंस के बीच में वहां पे प्रेजेंट है. ठीक है, अब क्या प्रेजेंट है और क्या इंपॉर्टेंट चीज है इसमें? इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है. सो दिस पोर्शन इज कवर्ड विद स्मॉल ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स. सो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स आर प्रेजेंट हियर एंड ऑल्सो द ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट हियर. सो पेरिस्टोमियम, periosteum and endosteum both are present with the osteoblast cells. Osteoblast cells generally stem cells से derive हुए हैं, जिनको बोला जाता है osteogenetic cells. ठीक, तो osteogenetic cells से बना osteoblast cells और ये osteoblast cells further secreted a matrix material and that matrix material has given it a shape and that shape is considered as a ऑस्टियोसाइट्स. सो दीज आर ऑस्टियोसाइट्स. ठीक, दीज आर ऑस्टियोसाइट्स. ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई आपको. अब एक चीज और समझिए. ठीक है, तो देखिए जब दोनों तरफ ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं तो दोनों तरह से ऑस्टियोसाइट्स का सप्लाई हो सकता है. तो ऑस्टियोसाइट्स यहां इधर से भी आ सकता है, ऑस्टियोसाइट्स इधर से भी आ सकता है. तो ऑस्टियोसाइट्स यहां से भी आएगा तो कंसेंट्रिक लैमली और सर्कमफेरेंशियल लैमली और इंटरस्टिशियल लैमली में प्रेजेंट हो जाएगा और ऊपर नीचे दोनों से बन सकता है. ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ क्या प्रेजेंट है, ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स. किस पे? पेरिस्टोमियम के नीचे, पेरिओस्टियम के नीचे और एंडोस्टियम के ऊपर. ठीक, तो इस तरीके से ग्रोथ जो होता है दोनों डायरेक्शन से हो रहा है. ठीक है, इसलिए बोला जाता है ग्रोथ इज बाई डायरेक्शनल इन कॉम्पैक्ट बोन्स. बाई डायरेक्शनल, सो ग्रोथ इज बाई डायरेक्शनल इन कॉम्पैक्ट बोन्स. ठीक, तो कॉम्पैक्ट बोन्स में बस इतना ही. अब हम लोग डिस्कस करते हैं स्पॉन्जी बोन्स के बारे में. ठीक है, सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द स्पॉन्जी बोन्स. स्पॉन्जी बोन्स, तो स्पॉन्जी बोन्स के बारे में हम लोग समझते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें सेल्स में क्या क्या होता है और मैट्रिक्स वाले पोर्शन में क्या क्या होता है. ठीक, तो सेल्स वाले पोर्शन में अगेन वो सारी चीजें होती हैं जो प्रेजेंट होता है उसमें. ठीक है, कॉम्पैक्ट बोन में यहां पे भी ऑस्टियोब्लास्ट होता है, ऑस्टियोसाइट होता है, ऑस्टियोसाइट होता है और ऑस्टियोक्लास्ट होता है. ठीक, ऑस्टियोक्लास्ट. मैट्रिक्स वाले पोर्शन में क्या क्या होता है? मैट्रिक्स वाले पोर्शन में भी सेम टू सेम सारी चीजें होती हैं, मतलब प्रोटीनेशियस पोर्शन होता है. ठीक, उसके अलावा सॉल्ट्स भी होते हैं. सॉल्ट्स में क्या क्या? कैल्शियम फॉस्फेट एज वेल एज कैल्शियम सल्फेट, मींस हाइड्रोक्सी एपिटाइट इज प्रेजेंट. हाइड्रोक्सी एपिटाइट, हाइड्रोक्सी एपिटाइट, हाइड्रोक्सिल या फिर हाइड्रोक्सी एपिटाइट. ठीक, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है इनजे. अब हम लोग स्पॉन्जी बोन्स में देखते हैं कि इनका लोकेशन क्या होता है. लोकेशन की बात करते हैं, कहां पे स्पॉन्जी बोन्स प्रेजेंट होती हैं. सो अगेन द फ्लैट बोन्स, फ्लैट बोन्स, रिब्स एज वेल एज एपिफाइसिस रीजन ऑफ लॉन्ग बोन्स. एपिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स, लॉन्ग बोन्स आर लोकेटेड द स्पॉन्जी बोन्स. स्पॉन्जी बोन्स कहाँ कहाँ पे होता है? फ्लैट बोन्स में, रिब्स में, लॉन्ग बोन्स की एपिफाइसिस रीजन जो हेड रीजन था वहां पे प्रेजेंट होता है. ठीक, तो अब हम लोग देखते हैं इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है. ठीक है, तो स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है ये समझिएगा. ठीक है, नॉर्मली जो स्पॉन्जी बोन का स्ट्रक्चर होता है वो स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर होता है. किस तरीके का होता है? स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर. ठीक, तो इस तरीके से स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर होता है.
एंड हाउ दीज स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर्स आर कंप्राइज्ड ऑफ, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो दीज आर स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर्स विच हैव बीन कम फ्रॉम दिस कैनाल्स. सो वॉट आर दिस कैनाल्स? So these canals are called as trabecula. क्या कहते हैं इसको? trabecula. ठीक है, trabecula या trabeculi कुछ भी बोल सकते हैं इसको. ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से ये canals होते हैं. ठीक, these are the canals which are forming the actual spongy like structure. So these strands are actually made up of the matrix material. ठीक है, matrix material में salts और proteinaceous portion का बना हुआ है क्या ये, ठीक, trabecula या trabeculi भी बोलते हैं इसको, तो इसमें कोई टेंशन की बात, trabecula या trabeculi, trabeculi. ठीक, और इन बिटवीन द स्पेसेस आर प्रेजेंट. दिस स्पेसेस आर सराउंडेड बाय द बोन मैरो. And again, I have told in the previous lecture, and in this lecture as also, that red bone marrow is present in the epiphysis region. So yellow bone marrow is present in the long bones and the compact bones, but the red bone marrow is present in the epiphysis region of the long bones. And we are drawing the epiphysis region of long bones, and because it is a spongy bone, so this is the red bone मैरो और एरिथ्रोपोइटिक बोन मैरो. ठीक, रेड बोन मैरो. ठीक है, तो जो ये स्ट्रैंड आप देख रहे हैं, ये स्ट्रैंड एक तरीके से स्पॉन्ज लाइक स्ट्रैंड बना रहे हैं. ठीक है, स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है. ठीक, इसलिए इनको बोला जाता है स्पॉन्जी बोन्स. क्या बोलते हैं इसको? स्पॉन्जी बोन्स. ठीक, अब हम लोग ये वाला पोर्शन जो होता है ट्रैबिक्यूली, इसको जूम करते हैं. ठीक है, तो ट्रैबिक्यूली को जूम करेंगे. ठीक, इस तरीके से, तो ट्रैबिक्यूली को जूम करेंगे, तो जो बाहर वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं पेरिओस्टियम. अगेन पेरिओस्टियम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पेरिओस्टियम. ठीक, ये होगा पेरिओस्टियम. अब इस पेरिओस्टियम के नीचे क्या प्रेजेंट होता है? इस तरीके से ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, एंड दीज ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स अगेन हैव कंप्राइज्ड और अगेन हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम ऑस्टियोजेनेटिक सेल्स. Apart from this osteogenetic cells, the osteoclast cells are also present on this periosteum. These are osteoblast cells. So a lot of osteoblast cells are present just beneath of this periosteum. So these are periosteum osteoblast cells. इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा, बट इतना शॉर्ट सा स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देगा. ठीक है, और बहुत सारे ऑस्टियोक्लास्ट बना लेते हैं. सो दीज आर ऑस्टियोक्लास्ट. सो दीज स्ट्रक्चर्स आर ऑस्टियोक्लास्ट. एंड दिस स्मॉल स्ट्रक्चर्स आर ऑस्टियोब्लास्ट. ठीक, और यहां पर ये जो स्पेस है, यहां पर भी क्या होगा? रेड बोन मैरो. ठीक है, क्या होगा? रेड बोन मैरो या फिर मैट्रिक्स वाला पोर्शन होगा प्रेजेंट. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर भी लैमली होते हैं. ठीक है, बट एक चीज आप याद रखिए कि हेवर्शियन कैनाल्स आर एब्सेंट इन स्पॉन्जी बोन्स. ठीक है, हेवर्शियन कैनाल्स आर एब्सेंट, सो ओनली दी ऑस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन द लैमली. ठीक है, सो अगेन अ ऑस्टियोसाइट. सो दीज आर द ऑस्टियोसाइट्स. So these are the osteocytes are present in the special lamellae. So these are attached also by canaliculi, and these are actually present in the lacuna. So यहाँ पे lamellae होंगे, Haversian canal नहीं होगा. But again यहाँ पे difference क्या होता है? यहाँ से difference ये होता है कि यहाँ पे Haversian canal नहीं होता है, यहाँ पे बाहर की तरफ lacuna तो होगा. Lacuna is present, canaliculi is also present, canaliculi. But the Haversian canal is absent, and these are osteocytes are present in the case of lacuna. Lacuna के अंदर क्या होगा? Osteocyte. ठीक, osteocyte. So this is the portion of spongy bone. ठीक, अब एक चीज समझिए,
हेवर्शियन कैनाल में नर्व फाइबर्स हैं, हेवर्शियन कैनाल में ब्लड वेसल्स हैं। तो ब्लड वेसल्स और जो नर्व फाइबर्स हैं, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन और प्रॉपर प्रॉपर सर्वाइवल ऑफ द बोन। ठीक है, तो बोन के सर्वाइवल के लिए जरूरी है ना कि वहां पे नर्व फाइबर भी हो और ब्लड वेसल्स हो। इफ द ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट दैट मीन्स इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूट्रिशन, एंड इफ द नर्व फाइबर्स आर प्रेजेंट दैट मीन्स इट इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू सम स्टिमुली और अदर लाइक रिएक्शंस दैट हैज बीन कम फ्रॉम द ब्रेन। सो इन दिस वे व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर कंडक्टिंग दिस स्पेशल टाइप ऑफ हेवर्शियन कैनाल लेस बोन्स। ठीक है, यहाँ पे हेवर्शियन कैनाल इज एब्सेंट, हेवर्शियन कैनाल इज एब्सेंट, सो हाउ दिस बोन्स आर रनिंग, हेवर्शियन कैनाल आर कंप्लीटली एब्सेंट। ठीक, तो हेवर्शियन कैनाल एब्सेंट है, सो यहाँ पे जो पेरी ऑस्टियम है, दिस पेरी ऑस्टियम हैज ब्लड वेसल्स। सो पेरी ऑस्टियम इज सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स and this periosteums have the capability, periosteum has the capability to diffuse the nutritive material. So nutritive material are coming from the blood vessels that is going in the periosteum, and this periosteum is supplied with blood vessels, and this periosteum is supplying the nutritive material from blood vessels into the osteoblast mein jayega. Theek hai, to ye hota hai basic process. Theek, तो स्पॉन्जी बोन्स और कॉम्पैक्ट बोन्स में बस इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कार्टिलेजेस के बारे में।